दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के एमसीक्यू सीरीज चल रही है दबा करके, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको बिल्कुल मिस ना करें। इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सी टेट, एस एस सी, आर आर बी, आई ई एस और यूपी पीसीएस वगैरह में जो पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि जो बुक डिस्कस की जा रही है मेरे थ्रू वो है ल्यूसेंट जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज है एक्चुअली, तो इसी के ही एमसीक्यू डिस्कस किए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और काफी सारे मजेदार क्वेश्चन इसके अंदर है और रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल मिस ना करें एक भी लेक्चर को। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। इसके अंदर भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुकी है, पांचवा पर्टिकुलर लेक्चर ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को जिसके अंदर ये पार्ट 5 वीडियो चल रही है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 41 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ बने रहने में आपका एक बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने, समझने और उनको लगाने की एक पोटेंशियल आ जाएगा, एक स्ट्रेंथ आ जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा सी टेट हो, यूपी टेट हो या फिर गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो गाइज, उसके अंदर साइंस अब कंपल्सरी कर दी गई है, साइंस का पोर्शन तो रहता ही है। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं ये श्योरिटी दिलाता हूं आपको कि आपका साइंस का पोर्शन गलत नहीं होगा, खराब नहीं होगा, बहुत अच्छे से साइंस का पोर्शन अटेम्प्ट कर करके आएंगे अपने एग्जाम्स में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखते हैं जिसमें हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर अपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रखा है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन का कोई लेन देन नहीं होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। अगर वेक्टर क्वांटिटीज की पूरी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करूं तो साथ में वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करती हैं। तो गाइज यहां पर हमसे पूछा है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। देखिए मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बट ये हमसे स्केलर पूछा तो इसको काट दीजिएगा। वेट की अगर बात करें तो वेट, देखिए वेट क्या होता है, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, तो वेट भी वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसको भी काट दीजिएगा। ग्रेविटी की अगर बात करें तो ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास बॉडी के बीच में एक्ट करता है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई चूंकि फोर्स है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। और मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर कितना है ना, कितने उसके अंदर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो मास होता है एक्चुअल में। तो मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती है, न इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी तरह का ट्राइंगल लॉ लगाते हैं हम वेक्टर का, तो मास जो है ये अकेला एक स्केलर क्वांटिटी है इन चार ऑप्शन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें हमसे कह रहा है कि वन हॉर्स पावर, ये एक एचपी की बात कर रहा है। आपने जनरली नाम सुना होगा वन एचपी, टू एचपी, थ्री एचपी की मोटर है ये, 0.5 एचपी की हाफ हॉर्स पावर की मोटर और 100 हॉर्स पावर का इंजन वगैरह। तो एक्चुअल में ये पावर का, ये हॉर्स पावर जो होती है ना, ये एक यूनिट है, पावर की ही यूनिट है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पावर की यूनिट है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप बता दीजिएगा कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर भी एक पावर की यूनिट है और वाट भी पावर की यूनिट है, वाट छोटी है जबकि हॉर्स पावर एक बड़ी यूनिट है। तो हमसे पूछ रहा है कि 1 HP कितने वाट्स के बराबर होता है। तो 1 HP गाइज यहां पर आपको बता देता हूं, 1 HP होता है 746 वाट के अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं था, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जिसमें हमसे कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मोमेंटम हैज। देखिए मोमेंटम के लिए आपको सबसे अच्छा ऑप्शन है जो इसमें लगे मोमेंटम को लेकर के, उसको पिक करना आपको। आरआरबी ने 2018 के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा था, देखिएगा
मोमेंटम क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। मोमेंटम जो होता है एक्चुअल में, देखिएगा, मोमेंटम जो होता है उसको पी इक्वल टू एम भी बोलते हैं। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, क्योंकि मास जो है ये स्केलर क्वांटिटी हुआ, तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब मोमेंटम जो हुआ ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन तो चाहिए चाहिए, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और बता भी चुका हूं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कि मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। तो 43 का बी ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। देखिए डिस्टेंस जो होती है स्टार्स के बीच की, ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट से मुझे मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स। तो बहुत बड़ी यूनिट में मेरे पास जो यूज होती है वो है लाइट ईयर। एक्चुअल में लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट है। मैं आपको इसको बता भी चुका हूं कि लाइट ईयर का मतलब क्या है। एक्चुअल में लाइट एक साल तक वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.46 × 10^15 मीटर है। एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये हो गए 1 लाइट ईयर। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लाइट ईयर जो है ये बड़ा डिस्टेंस का बड़ा यूनिट है, तो इसमें हम स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं लाइट ईयर में। तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, हालांकि बिल्कुल भी टफ नहीं है। 45 क्वेश्चन हमसे कह रहा है मिनिमम नंबर्स ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए आपको यहां तक का मतलब बता देता हूं। नॉन जीरो का मतलब ये है कि जो वेक्टर आप ले रहे हो उनकी वैल्यू जीरो ना हो। नॉन कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि वो एक लाइन में ना लगे। तो ऐसे कितने वेक्टर होंगे जिनको मैं मिलाऊं और मेरे पास जो वेक्टर सम होता है वो जीरो आ जाए। तो गाइज मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे पास वेक्टर लीनियरली होते हैं, मैं यहां नीचे दिखा देता हूं, अगर एक वेक्टर ऐसा होता है और एक वेक्टर ऐसा होता है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं इक्वल बट अपोजिट, तो नेट मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर उन्होंने बोल दिया कि नॉन कोलिनियर होने चाहिए, मतलब एक लाइन पर एक्ट लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम नहीं हो। तो भाई ऐसा तो फिर तभी होगा कि जब आप ट्राइंगल लो लगाओगे वेक्टर का, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा। अगर आप ट्राइंगल लो लगाते हो तो इस तरह से इन तीनों वेक्टर का अगर सम निकालोगे, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर, तभी जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना क्लियरली, क्या हुआ कि अगर मुझे नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो वेक्टर चाहिए तो मुझे कम से कम तीन वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए, ताकि उनका जो वेक्टर सम हो वो जीरो हो जाए। तो यहां पर जीरो की बात चल रही थी, तो भाई मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर होंगे तो ही मेरे पास उनका जो प्रोड्यूस होगा, वो जो वेक्टर प्रोडक्शन होगा, जो फाइनल वेक्टर निकल कर आएगा वो जीरो का निकल कर आएगा। तो यहां पर मुझे तीन वेक्टर रिक्वायर्ड है। ये एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट मासेज वुड रीच द ग्राउंड टूगेदर वैन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर सेम हाइट से अलग अलग ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाएगा तो जमीन पर ये एक साथ गिरेंगे। ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा था? भाई ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ रखा है मास बॉडीज के बीच में, तो वो किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइजैक न्यूटन। इन्होंने ये कहा था कि अगर आपके पास वैक्यूम है, कुछ भी है, अगर आपने डिफरेंट बॉडीज को सेम हाइट से गिराया है अंडर द ग्रेविटेशन, तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में या फिर इक्वल टाइम में वो नीचे आके ड्रॉप हो जाएंगे। तो टाइम जो लगने वाला है वो इक्वल लगने वाला है। तो ये बताया गया था सर आइजैक न्यूटन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है इन वैक्यूम ऑफ 5 रुपी कॉइन। देखिएगा ये सेम क्वेश्चन ऊपर वाले के ऊपर ही बेस्ड है। इसमें कह रखा है कि आपके पास एक 5 रुपी का कॉइन है और एक फीदर है स्पैरो का। फीदर बोलते हैं पर को, पंख को, स्पैरो बर्ड है, उसका पंख ले लीजिएगा, 5 रुपी का कॉइन ले लीजिएगा और एक मैंगो, उनको सेम हाइट से आपने साइमल्टेनियसली ड्रॉप कर देना है। तो पूछ रहा है कि अगर इनको टाइम लग रहा है, पहले वाले पार्ट को टाइम लग रहा है T1,
और सेकंड वाले पार्ट को लग रहा है T2 और उसके बाद वाले पार्ट को लग रहा है T3। इन लोगों ने एक रैंडमली रीडिंग ले रखी है T1 T2 T3। T1 ले रखा 5 रुपी कॉइन के लिए, T2 ले रखा फिदर ऑफ स्पैरो के लिए और T3 ले रखा है मैंगो के लिए। तो गाइज मैं आपको बता चुका हूं अगर आप सेम हाइट से गिराते हैं तो तीनों ही ग्राउंड पे पहुंचने में इक्वल टाइम लेते हैं। तो यहां पर जो इक्वल टाइम का ऑप्शन है वो है T1 = T2 = T3। कोई टाइम लैग नहीं होता, इक्वल टाइम में ही नीचे को आके वो टच कर देंगे ग्राउंड को। तो ये आइजक न्यूटन के थ्रू बताया गया था, प्रूफ किया गया था 2017 में। एनडीए ने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर भी लिया। क्वेश्चन नंबर 48, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मीजर द प्रेशर। देखिए प्रेशर मीजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, मैंने इंस्ट्रूमेंट की वीडियो बहुत सारी डाल रखी है, उसमें बता भी रखा है, तो बता देता हूं यहां को। एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर मीजर करने के लिए यूज किया जाता है वो है बैरोमीटर। क्या है भाई गाइस? वो है बैरोमीटर, एनिरोइड बैरोमीटर के थ्रू हम प्रेशर को मीजर करते हैं। एनीमोमीटर के थ्रू हम जो है स्पीड ऑफ एयर की स्पीड को मीजर करते हैं। हाइग्रोमीटर के थ्रू हम ह्यूमिडिटी को मीजर करते हैं, जबकि थर्मोमीटर के थ्रू हम जो है टेम्परेचर को मीजर करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। पता है हजार बार डिस्कशन किया है, एनर्जी जो है उसका यूनिट जूल होता है, उसी तरह से पास्कल किसका यूनिट होगा। तो गाइज आपको बता चुका हूं पास्कल जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हमसे कह रखा है इसमें कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास एम मूविंग विद अ वेलोसिटी वी, मास एम है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी के है। तो हमसे कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी को अगर डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होता है उसका फॉर्मूला ½mv². तो यहां से पता लगा काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो डबल का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, डीप कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा था नहीं लेकिन फिर भी हमने इंटरेस्ट लेकर के इनको सोल्व भी किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।